हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज शुरू में क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 जो आपका है मैट्रिक्स, क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज देखा जाए, एज पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, NDA हो गया, ICSE हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, उसमें भी क्या होता है, मैट्रिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं आपका। ठीक है, दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और सबसे ईजी चैप्टर है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें बस आपको कंसेप्ट आपको पता हो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, आसानी से ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर के, मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं ना, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं अच्छे तरीके से, कि मैट्रिसेस होता क्या है। सिंपल अगर सिंगल बोला जाए, सिंगुलर फॉर्म में इसे मैट्रिक्स बोलते हैं और प्लूरल में क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। आज तक तो हमारे लिए क्या है, ये एक नया कंसेप्ट है मैथ का, क्या है, एक नया पोर्शन है, हमने मैट्रिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, और हर एक में कंसेप्ट अच्छे तरीके से सबको समझाऊंगा, कंसेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। पहले देखो, मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर और ए फंक्शन। बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर को या कोई भी फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम एक ऑर्डर में क्या करते हैं, उस ऑर्डर में हम क्या करें, उस नंबर को अरेंज कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, वही मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोले तो नंबर को या फंक्शन को रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज कर देना, ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, सिंपल भाषा में बोले तो। देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट ए मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स ए है इस तरीके से, ये क्या आपका रेक्टेंगुलर एरे है, इस तरीके से एक बिग ब्रैकेट बोल सकते हो या स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हो इसे, ये क्या बोल सकते हैं, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में, इसी ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, नंबर को रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3, ये 6, ये 9। ठीक है, तो देखो इसमें, देखो दो तरह के इसमें से कंक्लूजन निकल रहा है, कि इस नंबर 2 और 3 क्या है, ये एक रो में अरेंज हो गया, 4 और 6 क्या है, एक ये रो है पूरा, और 6 और 9 क्या है, ये एक रो में है, मतलब ये दो नंबर क्या है, रो में अरेंज हो गया है, और ये एक नंबर 4, 2, 4, 6 ये क्या है, कॉलम हो गया, कॉलम नंबर 1, और 3, 6, 9 ये कॉलम नंबर 2 हो गया। मतलब दो, इस नंबर को हमने क्या किया, दो फॉर्मेट में अरेंज किया, रो और कॉलम के फॉर्म में हमने क्या किया, इस नंबर को अरेंज किया है। तो बेसिकली क्या है, यही तो मैट्रिक्स है। अब देखो, जो हॉरिजेंटल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रो नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका रो नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका रो नंबर 3 हो जाएगा, ये कॉलम 1 हो जाएगा और ये कॉलम 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हॉरिजेंटल जो होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है, कॉलम बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट नोट कर लेना। तो इसमें देखा जाए, इस मैट्रिक्स में तो कितने रो है और कितने कॉलम है, तो 3 रो है, 1, 2, 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इन मैट्रिक्स ए हैव 2 रो एंड 3 कॉलम्स, कितने थे, 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये इस तरीके से मैं इसको बता दिया कंक्लूजन, इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये मैट्रिक्स के जो अंदर होते हैं, जो अंदर ये नंबर दिए गए हैं 2, 3, 4, 6, 6, 9, ये सब जो होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसे हम एलिमेंट बोलते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट है, जो भी ये नंबर दिए गए हैं, ये मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट है, 2 क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें पॉइंट क्या नोट करने वाली बात है, अब बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है, क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर बनाते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि रो कितने हैं, तो 1, 2, 3 रो है, यहाँ पे 3 लिख देंगे,
कॉलम कितने हैं, दो कॉलम, एक और दो, दो कॉलम है तो दो हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ये थ्री थ्री इंटू जो थ्री क्रॉस टू है, इंटू नहीं है, ये थ्री क्रॉस टू है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होता है, और ऑर्डर क्या होता है, ये साइड में लिखा होता है, सबसे नीचे लिखा होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के नीचे लिखा होता है, बॉटम में लिखा होता है, साइड में। तो जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंड वाला नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर ए है, मतलब ऑर्डर थ्री क्रॉस टू क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो ऑर्डर से यही पता चलता है कि कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स में। बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आगे मूव करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपली क्या करेंगे, जो रो है और जो कॉलम है, जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर में जो रो और कॉलम है उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने नंबर ऑफ रो है और जितने नंबर ऑफ कॉलम है उन दोनों को जब प्रोडक्ट कर देंगे तो जो क्या आ जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए को बताएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट निकालना हो इस मैट्रिक्स ए में, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये कॉलम्स, ये फॉर्मूला होता है। तो रो कितने हैं, तो रो तीन है, तो तीन गुणे दो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, छः, मतलब छः एलिमेंट हैं। तो गिन भी लो, ये तीन और तीन छः एलिमेंट है। तो ये फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कर लो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे तो ये फार्मूला निकल के आ जाता है। बात समझ में आया? और थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहता हूँ, और भी कुछ बातें हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, उसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। ये तो मैंने अपने एग्जाम्पल से आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया कि मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, रो और कॉलम्स क्या होते हैं, ये मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू। अब एक बार जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे कि मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो थोड़ा सा मैं और इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट, उसके बाद से जब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊँगा ना तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, समझ में आया होगी बात। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से थोड़ा सा और मैं ब्रीफ में बात करूँ थोड़ा सा, तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपली क्या होता है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, रेक्टेंगुलर एरे इस तरीके से दिया रहेगा, और साइड में यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ रोज, पहले क्या होता है जो नंबर लिखेगा वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस दूसरा जो एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ये जो होता है, ये जो साइड में जो होता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी मैं देखूँ यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैट्रिक्स का। सपोज दैट एक मैट्रिक्स इस तरीके से दिया है, 3 2 4 2 इस तरीके से दिया गया है। तो देखो रो कितने हैं इसमें, दो रो है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, ये दो कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, इसको हम रीड करते हैं 2 क्रॉस 2 रीड करते हैं। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से एक मैट्रिक्स दिया है सपोज डेट बी, यहाँ पे 3 4 6 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से दिया है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पूछो तो क्या हो जाएगा, कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, 3 रो हो गया, कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, तो 3 क्रॉस 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की कहानी रही, इस तरीके से हम निकालते हैं। पूछ लेता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, तो वहां से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे मैट्रिक्स के कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लो, उसके बाद से हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स को मूव करेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
मैट्रिक्स, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको मैं बताने से पहले एक जो मैं पहले वाला जो एग्जांपल लिया था थोड़ा सा मैं इसको एक बार और राइट करता हूँ। देखो क्या था यहाँ पे, 2, 4, 6, 3, 6, 9, ये क्या था आपका मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स ए था ना, ये मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस था। अब देखो ये क्या था, ये आपका रो वन था, ये रो टू है और ये रो थ्री है, ठीक है। ये क्या है, कॉलम वन है और ये क्या है, कॉलम टू है। बात समझ में यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ पर देखिए तो मैं बोलूँ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो ये क्या आएगा, टू आएगा। अगर मैं इसका पोजीशन की बात करूँ, टू का पोजीशन क्या है, तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक जनरल कोई लेटर ले लूँगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट ए है, जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है वो क्या है, वो टू है। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, 1, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। ये बता रहा है कि पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट क्या है वो टू है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वन और ए टू हो जाएगा। पहले रो को लेते हैं उसके बाद कॉलम को लेते हैं, पहले रो को लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ए, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ए टू वन हो जाएगा। देखो रो टू कॉलम वन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रो टू कॉलम टू, ये क्या हो जाएगा कॉलम सॉरी रो थ्री कॉलम वन, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रो थ्री कॉलम टू, ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ए वन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। उसी तरीके से मैं बोलूं कि सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो फोर हो जाएगा। उसी तरीके से आ जाएगा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो ये सिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा, तो सिक्स होगा। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का कौन सा एलिमेंट होगा, नाइन होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिखते हैं एलिमेंट को लिखते हैं। तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन और ए थ्री टू, ये क्या कर रहा है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है मैट्रिक्स के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गया, तो ये यहाँ से हम पोजीशन के बारे में थोड़ा सी बात देख लिए, एलिमेंट का पोजीशन को हम देख लिए, कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है और कैसे लिखते हैं वो यहाँ से हमने देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो यहाँ से पोजीशन समझ में आ गया। अब देखो हम सपोज करेंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एम रो है और एन कॉलम है, ठीक है। बुक में आपका क्या दिया वो भी देख लेते हैं, किस फॉर्मेट में बताया है। हमारे पास एम रो है और एन कॉलम है, तो हम सपोज करते हैं, सपोज ए मैट्रिक्स हैव एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है, एम रो एंड एन कॉलम्स, देन तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये हो जाएगा रो वन, देखो रो कितने हैं, रो एम है और कॉलम क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो पहला रो मान लें, आप रो मान लेते हैं रो वन रो टू रो थ्री डैश 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 रो एम तक जाएगा। रो कितना है, एम है ना, रो एम हमने माना है, और कॉलम यहाँ पे कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री डैश डैश कॉलम एन तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बस मैं समझने के लिए आपको लिख दिया हूँ रो वन रो टू। तो पहला एलिमेंट रो का पहला एलिमेंट और कॉलम का पहला एलिमेंट, तो ए वन वन आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन टू आ जाएगा फर्स्ट रो का और कॉलम सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन थ्री हो जाएगा डैश डैश, यहाँ पे ए वन एन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो एंथ कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, ए वन एन आएगा, ठीक है। इस तरीके से
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, डैश डैश ए टू एन हो जाएगा। उसी तरीके से ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, डैश डैश ए थ्री एन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, एम वन, ए एम वन, ए एम वन, ए एम टू, डैश डैश ए एम थ्री, डैश डैश यहाँ पे क्या आएगा, ए एम एन आ जाएगा इस तरीके से। और ये जो क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये जो होगा ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले रो आता है, तो रो क्या है, एम है, और कॉलम क्या है, एन है, तो एम क्रॉस एन इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और ये सब जो अंदर के जो बातें हैं, अंदर के जो एलिमेंट हैं, अंदर के ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये सब जो क्या है, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। हमें ऐसे याद रखना, जो भी मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स इज ऑलवेज एन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा क्या होता है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करके रखना। तो इसको मैं जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आई जे, ए आई जे, आई क्या करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे क्या कहलाता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन, और आई कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, रो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो वन वन से ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। रो देखो, आई जो हो रहा है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वन से क्या है, वन से ज़्यादा है, और एम से क्या है, छोटा है, या इक्वल टू आएगा। उसी तरीके से जे जो कहाँ से बिलोंग करेगा, जे भी वन से बड़ा या इक्वल टू, बट लेस देन क्या होगा, एन होगा। तो ये इसका रेंज है आई और जे का। तो आई रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये रहा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी जो ये जो हमने इस तरीके से फॉर्मेट में लिख दिया, यही कहलाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स ए कहलाएगा, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आया, ठीक है। इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लो पहले वीडियो को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया है, बोला है कंस्ट्रक्ट ए थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिया, जनरल फॉर्म दिया गया है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है। एलिमेंट जो दिया गया इस फॉर्मेट में होगा, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस जे के फॉर्मेट में क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो जिसके एलिमेंट जो होंगे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है। तो देखो हमें पहले यहाँ पर दिया क्या है, गिवन डाटा यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हमें ऑर्डर दिया गया है, गिवन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया है थ्री क्रॉस फोर दिया गया है। थ्री क्रॉस फोर का मतलब क्या है, यहाँ पर रो जो है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स का रो जो होगा वो थ्री होगा, और कॉलम जो होगा, कॉलम्स जो होंगे वो क्या होंगे, फोर होंगे। हमें समझ में आ गया कि रो तीन होगा और कॉलम क्या होगा, चार होगा। तो हम आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ये मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। कॉलम क्या होगा, चार होगा, और रो कितना होगा, तीन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ए ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, और ए वन फोर, ठीक है। चार कॉलम होगा, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, पहला रो का ये सारा एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, चार कॉलम, सेकेंड रो, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, और ए थ्री फोर, चार कॉलम और तीन रो। तो ये देखो, ये जो होगा ना, ये इस फॉर्मेट हो गया, ये मैट्रिक्स ए का फॉर्मेट इस तरीके होगा, तीन रो और चार कॉलम, तीन रो और चार कॉलम का फॉर्मेट में क्या करिए, एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके एलिमेंट का जो दिया गया, ये एलिमेंट दिया गया है, ये एलिमेंट का कंडीशन होना चाहिए, ये मतलब ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आएगा वो मैट्रिक्स का। तो देखो ये आई है, आई जे क्या कर रहा था, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू वन है और जे इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। आई और जे क्या करता है, पोजीशन को बताता है कौन सा रो है और किस कॉलम का एलिमेंट, किस कॉलम का है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो, तो वो रो और कॉलम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा, यहाँ पे ए वन वन, ए वन वन का जो एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का, वो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे। तो आई इक्वल टू वन है और जे इक्वल टू वन है, तो ये वन प्लस वन हो जाएगा, टू आ जाएगा। मतलब पहला एलिमेंट
रो का पहला एलिमेंट और कॉलम का पहला एलिमेंट का क्या आएगा, वो 2 आएगा। रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो क्या आएगा वो 2 आएगा। उसी तरीके से यहां पर A12 हम निकालें तो A12 मतलब क्या I1 है और 2 क्या है J है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, दोनों को ऐड कर दो तो 1+2 क्या आएगा 3 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट क्या होगा वो 3 होगा, ठीक है। उसी तरीके से A13 मतलब 1+3 4 आ जाएगा, A14 मतलब क्या 1+4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स मैं बनाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूँ, एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनाता हूँ जो मैट्रिक्स ए बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। पहला रो का एलिमेंट सारा निकल गया, फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट निकल गया, ठीक है। सेकेंड रो का आप निकालते हैं, तो सेकेंड रो का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2+1 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो। A2+2 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2+2 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। A2+3 आ जाएगा मतलब 2+3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। A24 आ जाएगा 2-4 आ जाएगा, तो 2+4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 3-4, 6, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड रो में निकालूँ, तो 3-1 आएगा, A31 तो 3+1 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, ऐड करोगे तो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये मैट्रिक्स निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये 3x4 का मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स जो होगा ये होगा, बात समझ में आया कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो स्टूडेंट, आई होप की बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया गया है, तो जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से क्या करता है, डायरेक्ट जो होता है डिफेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, दे देगा मैट्रिक्स, बोलेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स आपको दे देगा और पूछेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर देखा जाए तो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन भी अगर MCQ आता है तो वहाँ पर भी उस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिसेस भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सारे होंगे तो मैट्रिसेस भी होगा। तो पहला मैट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो रो मैट्रिक्स होता है, क्या होता है रो मैट्रिक्स क्या बोलता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो एक ही रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या हो एक रो हो उससे हम क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मैं डिफिनेशन में अगर लिखूं कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, उसे हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, रो मैट्रिक्स बोलेगा कि एक ही रो होगा, क्या होगा एक ही रो होगा, तो 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गया रो तो एक ही है, ये क्या ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है रो होता है, तो एक ही रो है तो रो कितना हो गया 1, लेकिन कॉलम कितना है एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1x4 हो जाएगा। तो ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से एक और यहाँ पे ले लूँ तो 1, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x2 का मैट्रिक्स हो गया, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम क्या है 2 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये जितने भी मैट्रिक्स हैं दोनों मैट्रिक्स क्या है ये रो मैट्रिक्स है। तो पहला टाइप का मैट्रिक्स क्या हो गया रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स क्या बोलता है कॉलम मैट्रिक्स ये बोलता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे क्या बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे होगा इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एक रो, एक कॉलम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एक रो हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आया? देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं तो एग्जांपल हो जाएगा 1, 2, 3। तो देखो कॉलम तो क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम तो एक ही है लेकिन रो क्या है, तीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3+1, एक रो दो रो तीन रो, तो 3×1 हो जाएगा। पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, आ रही है, यस या नो, आ रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक कर दो, अगर आ रही है तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, इंस्टा आईडी दिया गया वहाँ पर फॉलो कर लेना, कुछ भी डाउट है पूछ लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो कमेंट जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट करो, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर नाम है, रेक्टेंगुलर में ही काम होगा। देखो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, लेंथ ऑफ रेट इक्वल नहीं होता है, तो क्या होता है उसे हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं। उसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल जब नहीं होते हैं तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच, इन विच नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रोज और कॉलम इक्वल ना हो, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गया? देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 5, 3, 4, 6, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स ए सपोज, ठीक है। तो देखो रो कितने हैं, ये एक रो और ये एक दो रो, रो कितने हैं दो, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तीन कॉलम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला तो रो होता है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल, दो रो हो गया। वर्टिकल वाला क्या होता है, कॉलम होता है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम हो गया। तो 2×3 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। और देखो रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम है, ये क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1, 2। तो यहाँ पे क्या है, रो तो 1 है लेकिन कॉलम क्या है, 2 है। तो देखो रो और कॉलम कहाँ इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फोर्थ टाइप आता है मैट्रिक्स का, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर नाम में ही काम है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में नंबर ऑफ जो साइड होते हैं, जितने भी साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम चल रहा है बात, रो और कॉलम की बात हो रही है, तो रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स इन विच, ए मैट्रिक्स इन विच, इन विच, इन विच रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट मैट्रिक्स ए है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से दिए गए हैं उसके एलिमेंट। तो देख रहे हो यहाँ पे कितने हैं, रो कितने हैं, तीन हैं, और कॉलम भी कितने हैं, तीन हैं। तो देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, इसीलिए क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। सपोज दैट एक मैट्रिक्स आपके पास बी है, ये 0, 1, 1, 0 इस तरीके से दिया गया है। तो देखो इसमें क्या है, दो रोज हैं और दो कॉलम है, तो 2×2, देखो दो रोज है और दो कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इसका ऑर्डर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2×2 ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका बस ऑर्डर 2 लिखा है तो समझ जाना दो रो है और दो कॉलम है। अगर कहीं भी ऑर्डर दिख जाए कि बस दो ऑर्डर लिखा है, 2 बस लिखा है, ऑर्डर उसका 2 है, तो समझ जाना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ जाना कहीं ऑर्डर अगर 3 लिखा है तो समझ जाएंगे वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूं, हम दिया है यहां पे कि मान लीजिए गिवन दिया है कि ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग, हैविंग ऑर्डर 2,
ऑर्डर टू दिया है, तो समझ जाना टू दिया है तो क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरीके से दिया है। अगर टू दिया है या थ्री दिया है, एक ही बस लिखा है, तो समझ जाना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की वो बात कर रहा है। ओके, बात समझ में आया कि नहीं आया, मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं डायगोनल एलिमेंट बताऊँ कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो वो देखो पहले, ठीक है, मैट्रिक्स, जैसे मैं अभी एग्जांपल लिया था एक मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दी, ये आपका क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूँ कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो देखो डायगोनल एलिमेंट के लिए मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, जनरल फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसका, तो ए वन वन हो जाएगा, ये ए वन टू हो जाएगा, ये वन थ्री हो जाएगा, ये टू वन, टू टू, टू थ्री, ठीक है, थ्री वन, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, रो इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहां पे होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ रोज और पोजीशन ऑफ कॉलम दोनों क्या आपस में इक्वल हो, वो जो जो पोजीशन होता है वो क्या कहलाता है, वो डायगोनल पोजीशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे होता है तो क्या होता है, वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और आई नॉट इज इक्वल टू जे होगा तो क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। देखो आई इज इक्वल टू जे कहाँ पे, रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं, देखो यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है, रो और कॉलम इक्वल है, रो और कॉलम इक्वल है, तो ये जो एलिमेंट कहलाएंगे, ये जो एलिमेंट कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है, जहां पे आई रो और कॉलम जहां पे इक्वल होंगे वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे उस मैट्रिक्स के। तो अगर मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, कौन कौन सा है, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। अगर मैं बोलूं कि ए वन वन यहाँ पे क्या है, तो वन है, ए टू टू क्या है यहाँ पे एलिमेंट, तो क्या है, फाइव है, ए थ्री थ्री कहूँ तो क्या है, नाइन है, तो ये जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, ये जो कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, बात समझ में आया। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ये होते हैं, जहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, और बाकी सब जो एलिमेंट बचे, जैसे यहाँ पे हो गया A12 इज इक्वल टू क्या है, टू है, A13 इज इक्वल टू क्या है, थ्री है, A21 इज इक्वल टू क्या है, फोर है, यहाँ पे A23 इज इक्वल टू क्या है, सिक्स है, A31 इज इक्वल टू क्या है, सेवन है, A32 इज इक्वल टू क्या है, एट है, ये जितने भी एलिमेंट होंगे ये क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, बात समझ में आया, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। मैं थोड़ा सा इस नीचे कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अब दिखाई दे रहा होगा, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, बात समझ में आया। तो आई होप कि आपको डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया होगा, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलेंगे कि सर ये डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये वाला डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा, तो भाई नहीं कहलाएगा, देखो क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, मैं बोला कि रो और कॉलम जहाँ पे इक्वल होंगे वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे, इसका पोजीशन क्या है, ये 1, 3 है, यहाँ पे रो और कॉलम कहाँ इक्वल है, इसका पोजीशन में क्या है, यहाँ पे तो ये तो है ही है, ये तो डायगोनल एलिमेंट है ही है, तो इसकी बात ही मत करो, ये तो डायगोनल एलिमेंट है ही है, इसकी बात करो, यहाँ पे क्या है, ये 3, 1 है, तो इसका पोजीशन कहाँ है, इक्वल है, रो और कॉलम कहाँ इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आएगा ना। अब बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो भाई साहब। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो।
मतलब जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, उस टाइप के मैट्रिक्स होगा उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया 1 0 0 2, तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, लेकिन बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सब जीरो हैं, ठीक है। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे यहाँ पे देखो 1 5 6, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो पोजीशन है, ये क्या है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं है, और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या है, वो जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो अगर इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई मैट्रिक्स तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट टाइप देखो, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसमें क्या होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होते हैं, कोई एक स्केलर नंबर होता है, और बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि सारे इसके डायगोनल के एलिमेंट वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक स्केलर नंबर होता है, एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो ये डायगोनल क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन देखो जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, ये 2 2 है। यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट देखो सब क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन स्केलर कब कहलाएगा, जब हर एक डायगोनल मैट्रिक्स, हर एक डायगोनल एलिमेंट जो होगा उसका सेम होगा, तब क्या कहलाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ना तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, एक तरह का आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, बस कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन ये है कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। अगर हर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका उसका डायगोनल एलिमेंट, हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये रहे आपके एग्जांपल्स। अगर ऑर्डर की बात करें तो ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, ये भी क्या हो जाएगा, ये 2x2, ये 3x3 ऑर्डर का हो जाएगा। ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हम I2 भी लिखते हैं, I2 इज इक्वल टू दिस। इसे हम I3 भी लिखते हैं, I3 मतलब क्या, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। I से भी नोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। बात समझ में आ गया। एक और टाइप बचता है यहाँ पे आपका, होता है यहाँ पे एक टाइप है नल मैट्रिक्स। व्हाट इज मीन बाय नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, या उसी को हम इम्पटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। अब नल मैट्रिक्स आपको पता है, आपने नल सेट पढ़ा होगा, नल सेट में क्या होता था, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता था। नल सेट में क्या होता था, कोई एलिमेंट नहीं होता था, तो उसे हम बोलते हैं नल सेट है। तो उसी तरीके से अगर नल मैट्रिक्स की बात करें हम, नॉल मैट्रिक्स की बात करें, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बोलेंगे इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरोज़ हो, वो क्या हो, जीरोज़ हो, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। सपोज डैट ये है, ये 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, ये 2x2 का नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए जो है 2x2 का नल मैट्रिक्स है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको हर एक टाइप्स आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी मैट्रिक्स का। एक और कंसेप्ट इसे बचता है, वो होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, वो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ताकि एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1, तो सारा कवर हो जाए, उस एक्सरसाइज का हर एक कंसेप्ट क्या हो, कवर हो जाए और आसानी से हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो एक कंसेप्ट बच जा रहा है, उसको हम पढ़ लेंगे, तो हम एक्सरसाइज 5.1 को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे पढ़ा देते हैं उसको भी, भाई बता देते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हेडिंग क्या दिया है, बुक में देख लेते हैं, बुक में हेडिंग क्या दिया आपका, बुक में हेडिंग दिया है कि इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, इक्वल मैट्रिसेस कब होता है, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। सपोज दैट टू मैट्रिक्स है आपका, टू मैट्रिक्स क्या है, टू मैट्रिक्स है ना, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहेंगे, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल,
क्या बोलेंगे, इसको इक्वल बोलेंगे, सेट टू बी इक्वल, इक्वल मैट्रिसेस, उसको मैट्रिसेस इक्वल बोलेंगे। कब? इफ इफ ए जो है अगर बोल रहा है कि उसका क्या हो, सेम ऑर्डर हो, क्या हो, सेम ऑर्डर हो, पहली बात, पहली बात तो उसका क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी बात यह क्या बोल रहा है कि क्रॉसपोंडिंग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, एलिमेंट आर इक्वल, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, तो अब हम क्या बोलेंगे, उसका मैट्रिसेस मैट्रिसेस इक्वल है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, पहला बोल रहा है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज दैट एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे एग्जांपल ये दिया गया है कि एक ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ पे दिया है 2, 3, 4, 5, इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, 2, 2 इसका भी ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, जब ये जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 5 होगी, तब क्या कहलाएंगे, ये मैट्रिक्स क्या आपस में इक्वल होंगे। यही तो बोला है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, जब उसका पहला कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात ये बोल रहा है कि उसकी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस के आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये होगा, इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये होगा, इसका क्रॉसपोंडिंग ये, इसका क्रॉसपोंडिंग ये होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी 4 होगी और डी की वैल्यू क्या होगी 5, तो ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई, आंसर इस तरीके से निकल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है कि बोल देगा दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसमें कुछ वेरिएबल दे देगा और उसको बोलेगा कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिए गए हैं, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज दिया गया उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो का हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ये मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया, वहाँ पे मुझसे फॉलो करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 को लेके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडों को भी शेयर करना अपने कि उनको भी हेल्प मिल सके, कंसेप्ट को समझ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो रीच पहुँच सके, ज़्यादा लोगों के पास रीच पहुँच सके, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं इसमें शेयर करने में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट।